21 दिन के लॉकडाउन की समाप्ति के बाद अब लॉकडाउन 2.0 की घोषणा हो चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस को काबू में करने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन की समय सीमा को अब बढ़ा दिया है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि अगले एक सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए कठोरता और नियम अब और भी ज्यादा बढ़ा दिए जाएंगे। अब इस कठोरता के पालन से जिन राज्यों में परिणाम अच्छे आएंगे और कोरोना को हराने में सफल होंगे, उन राज्यों में 20 अप्रैल से कुछ जरूरी चीजों में छूट की अनुमति दी जाएगी। साथ ही अगर लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो ये अनुमति तुरंत वापस भी ले ली जाएगी। अब यह फैसला पीएम ने दिहाड़ी मजदूरों के हितों के लिए लिया है, जिससे उनका काम चालू किया जा सके। इसके अलावा पीएम मोदी ने देश के लोगों को 7 बातों का ख्याल रखने के लिए कहा है। तो आइए अब जानते हैं कि क्या है वो 7 बातें। पहली बात, सभी को लॉकडाउन का पालन करने के साथ अपने घर में रह रहे बुजुर्गों का खास ख्याल रखना है। दूसरी बात, सभी को लॉकडाउन का पालन पूरी ईमानदारी से करना है। तीसरी बात, घर से बने मास्क का प्रयोग करना है, साथ ही इम्यूनिटी बढ़ाने के निर्देशों का पालन भी करना है। चौथी बात, शासन द्वारा लॉन्च किया गया जिसका नाम आरोग्य सेतु ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड करना है। पांचवी बात, अगर आप सक्षम हैं और आपके पास कोई परिवार है जिसे भोजन या कुछ जरूरी चीजों की जैसे कि दवाइयों की जरूरत है तो आप उनकी मदद करें। छठवीं बात, अगर आपके ऑफिस घर पर कोई काम करता है तो ये सुनिश्चित करें कि किसी को अपने नौकरी से न निकालें। सातवीं बात, कोरोना से लड़ रहे कोरोना योद्धाओं जैसे कि डॉक्टर, पुलिस, सफाई कर्मी या जो भी लोग लॉकडाउन के बीच भी ये लोग सेवा में लगे हुए हैं, आप उनका आदर करें। अब फिलहाल लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, जिसे लॉकडाउन 2.0 कह के पुकारा जा रहा है, जो कि 3 मई तक चलेगा। जिन राज्यों में वायरस का संक्रमण खत्म हो जाएगा उन राज्यों को 20 अप्रैल को लॉकडाउन से मुक्त किया जाएगा, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। फिलहाल देश में कोरोना के संक्रमण से मरने वाले लोगों की संख्या सोमवार तक 339 हो चुकी है। संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 10,363 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब भी 10,363 लोग संक्रमण की चपेट में हैं, जबकि 1,036 लोग ठीक भी हो चुके हैं। तो पीपल, जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ऑल कर लें, ताकि लेटेस्ट न्यूज और इस तरह की जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।